हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं अंडे की नई रेसिपी अलग टाइप से। यहाँ पे मैंने 4 से 5 अंडा ले लिया है, 1 प्याज ले लिया है और हरी मिर्च ले लिया है 2, और इन्हें अच्छे से बारीक काट लेंगे। यहाँ पे फ्रेश धनिया भी मैंने लिया है। यहाँ पर एक बाउल लेंगे और उसमें अंडे को तोड़ेंगे। मैं यहाँ पर एक एक अंडे का आमलेट बना रही हूँ, और इस अंडे में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली है कटी हुई, थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ता, प्याज और थोड़ी सी नमक स्वाद अनुसार, और उसे हम मिला लेंगे और उसे गरम तवे पर अच्छे से उसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है और इसे मैंने तवे पर अच्छे से इसको चारों तरफ फैला दिया है। गैस का फ्लेम फ्रेंड मीडियम रखेंगे, और यहाँ पे मैंने एक को चारों तरफ फैला दिया है उसके मिश्रण को। देखिए ये फैल गया है। अब इसे हाफ कुक हुआ है ना अभी फ्रेंड, तो इसको अभी ही इसको फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करके इसको लेयर तैयार करेंगे इसका। देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको फोल्ड कर लिया है। ऐसे करके ही हम ये 4 हमारे पास जो अंडे हैं ना उसके आमलेट बनाएंगे। देखिए एक यहाँ पर तैयार हो गया है। ऐसे करके हम सेकंड बैच भी बना लेंगे। ऐसे करके मैंने सारे, देखिए एक करके मैंने सारे बना लिए हैं। अब इसको कट कर देंगे छोटे छोटे पीसेस में। देखिए मैं इस तरह से काट ले रही हूँ इसे। सारे अंडे के जो आमलेट बनाए हैं ना उन्हें सारे को काट लेंगे इस तरह से। मैं यहाँ पे एक कढ़ाई ले रही हूँ और उसमें 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, और तड़के के लिए मैंने जीरा ले लिया है 2 पिंच, तेज पत्ता 1 लिया है और हरी मिर्ची लिया है 3 से 4, और कटा हुआ प्याज। सबको 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। और यहाँ मैंने कटे हुए 2 टमाटर ले लिए हैं, इसे भी 2 मिनट तक पकाऊंगी। देखिए ये पक चुका है 2 मिनट तक, और यहाँ पे गैस का फ्लेम लो कर देंगे। यहाँ अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने 2 चम्मच लिया है, इसे भी फ्राई करेंगे 1 मिनट तक, और हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, इसे मिला लेंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर 2 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पर लिया है 1 चम्मच गरम मसाला, फिर मीट मसाला 1 चम्मच, किचन किंग मसाला 1 चम्मच, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, और इसे मिला लेंगे। इसे 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे मसालों को। यहाँ मसाला मेरा चिपक रहा था तो मैंने 1/2 कप पानी डाला है, और इसे अच्छे से पका लेंगे 4 से 5 मिनट तक, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए मैंने यहाँ ढक ढक करके इसे पका लिया है। इसमें धनिया पत्ती डालेंगे कटा हुआ, इसे भी 1-2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। मैंने यहाँ पर पानी 2 से 3 कप डाला है, और इसे डाल करके इसे 5 मिनट तक कुक होने देंगे, बॉयल होने तक। फिर देखिए ये अच्छे से बॉयल हो रहा है, तो मैं जो आमलेट बनाई हूँ ना फ्रेंड्स वो डालूँगी इसे। एक एक करके सारे ऑमलेट का कट जो है वो डाल दूँगी, पीसेस जो हैं। फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। देखिए मैंने सारे को डाल दिया है इसमें, और इसे अच्छे से थोड़ा सा डिप कर दूंगी ग्रेवी में, और इसे ढक करके मैं 2 से 3 मिनट तक बॉयल होने तक पका लूँगी। देखिए कितना ही यमी हमारा ये सब्जी दिख रही है अंडे की, और इसे गर्मा गर्म सर्व करें चावल रोटी नान सबके साथ आप खा सकते हैं इसे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड, तो
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ये वीडियो देखने के लिए।